हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू टारगेट मिशन। सो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पार्ट थ्री स्टूडेंट्स के लिए जिनका जीएस का पेपर है। पार्ट थ्री स्टूडेंट्स, जो चाहे आप बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, तीनों के लिए ये जीएस का जनरल स्टडी का पेपर है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको, इस वीडियो में हम अभी पैटर्न बताएंगे कैसे आप किस बातों का ध्यान रखिएगा, और PYQ भी दिखाएंगे, जिससे आपको एक बहुत ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जैसे आप परेशान हैं, आपको ये वीडियो मिला और आपको हेल्पफुल होगा, ये मेरा तो 100% का बिलीव है। वैसे ही प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग ये नहीं करते हैं तो ये वीडियो आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, जिससे ये मेहनत इतना ही में रह जाएगा और बहुत बच्चों को हेल्प नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर विथ योर PPU स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, ये है जनरल स्टडी का पेपर, ये 2021 का है। पैटर्न क्या है? पैटर्न आपको हम बता देते हैं पहले कि ये 3 आवर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का होता है। चाहे आप बीए के हों, बीएससी के हों, बीकॉम के हों, 100 नंबर का पेपर होता है 3 घंटे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मतलब इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी ऐसे करके है। ग्रुप ए, ग्रुप बी दोनों को टच करना है, दोनों के पेपर को बनाना है। आप सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा उसमें नोट जरूर पढ़ लीजिएगा कि लिखा क्या है। अब देखिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी दो सेक्शन में है, यानी कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ध्यान रखिएगा, ये पूरा पेपर 2 ग्रुप में है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या है? ग्रुप ए में है पहले ऑब्जेक्टिव, ग्रुप ए में पहले है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ। अब ये MCQ कितना है? 10 नंबर के लिए, 10 मार्क्स के लिए आपको 10 MCQ है, यानी कि 1 MCQ 1 नंबर, 10 ऑब्जेक्टिव है 10 मार्क्स के लिए। दूसरा है इसमें सब्जेक्टिव, यानी कि क्वेश्चन आंसर वाला जो फॉर्मेट होता है, सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में क्या है? दो करना है, और वो दो जो है वो 40 नंबर का होगा, वो दो जो है वो 40 मार्क्स का होगा। अब वो दो कैसे होगा देख लीजिए। ये है, ये जो आपको बताया मैंने पहले कि MCQ है, तो 10 हो गया। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई भी दो करना है, तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा तो इसका नोट्स ये सारा लिखिएगा, स्वामी विवेकानंद, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र सिंह धोनी, सब पे लिखना है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा तो ये 3 पे ये सारा लिखना है, ABCD। अगर 4 करते हैं तो 4 में ये चारों लिखना है, यानी कि दो ही चूज करना है। आइदर 2 चूज कीजिए, 3 चूज कीजिए, 4 चूज कीजिए, इस या 5 चूज कीजिए। तो यानी कि ये 2, 3, 4, 5 में से कितना चूज करना है? 2। और अगर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और कर रहे हैं तो ये सारा करना है, क्वेश्चन 4 चूज करते हैं तो ये सारा करना है। और ये 10 नंबर का होगा, यानी कि हर ये एक एक जो टॉपिक है इसमें 2-2 नंबर का है, ये भी 2-2 नंबर का है। तो 2, 4, 8, 10, मतलब यहाँ पे आपको 20 नंबर का ये सवाल है और 20 नंबर का ये सवाल है, समझ में आ रहा है? तो ये मतलब इसका मार्किंग ये लोग किए हैं, जैसे भी, बस इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये 10 नंबर का, ये 20 नंबर का सवाल है और ये भी 20 नंबर का। यहाँ पे देखिए, 20 × 2 any 2 question, तो यहाँ पे 40 मार्क्स का है, यानी कि ये करिएगा तो पूरा 20 नंबर का है, ये करिएगा तो पूरा 20 नंबर का है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कितना का पड़ रहा है? 5-5 नंबर का, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20, यानी कि 5-5 नंबर पे ये पड़ रहा है, 5-5 नंबर पे ये है। तो यानी कि 20 नंबर का ये है, 20 नंबर का ये है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है कि 2-2 नंबर नहीं है इसमें, इसमें है 5-5 नंबर का, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 ये, इसमें भी देखिए 5, 10, 15, 20, सारा में 4-4 ही दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20, यानी कि कोई भी 2 करिए तो 20 नंबर मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, तो ये हुआ आपका 40 नंबर। अब वैसे ही ग्रुप बी में देख लीजिए, ग्रुप बी में भी सेम, पहले 10 ऑब्जेक्टिव है, 10 ऑब्जेक्टिव, ये भी 10 मार्क्स का, और इसमें भी सब्जेक्टिव, और ये भी होगा 40 नंबर का, 40 मार्क्स का। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी 10 नंबर के लिए है और ऑब्जेक्टिव है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी 2 सवाल करना है, एक सवाल 20 नंबर का, एक सवाल 20 नंबर का।
अब क्वेश्चन नंबर टू करिएगा तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, विटामिन डी, ये सब इसमें करना पड़ेगा। या क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं तो डीएनए, आरएनए, बैक्टीरिया, वायरस, लिविंग नॉन लिविंग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सब करना पड़ेगा। या क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं तो आर्यभट्ट, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, ये सब करना होगा। और अगर क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं तो बस एक ये सवाल है, एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हाट इज द बिकमिंग पॉपुलर, जैविक कृषि की व्याख्या कीजिए, यह क्यों लोकप्रिय हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अब इस पे ध्यान के देना है कि पेपर जो है वो कम मिल रहता है, जो 32 पेज है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपको देख रहे हैं यहाँ पे इसमें 10 सवाल करिएगा, इसमें 10 क्वेश्चन, मतलब दो करिएगा तो एक में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चार है और एक और चार, तो यहाँ पे 8 सवाल यहाँ पे सब्जेक्टिव में करिएगा और यहाँ पे 8 सवाल करिएगा, तो सोचिए कि 16 तो सिर्फ सब्जेक्टिव हुआ, ठीक है, और 20 यहाँ पे MCQ, 16-20 आपको MCQ करना है जो क्लियर है, और 16 आपको सब्जेक्टिव यहाँ पे करिएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला अगर लास्ट में दो अगर नहीं करते हैं, मतलब एक कर लीजिए और एक इसमें का ये सब मत करके डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर फाइव कर लीजिएगा, तो इसमें तो चार नहीं बनाना है ना, ये तो बस एक ही सवाल है, इसमें तो चार ऑप्शन नहीं दिया है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी, जैसे इन सारे में दिया है, तो आप यही ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट वाला क्वेश्चन ही करिएगा, मतलब इसमें दो आइदर किस कोई एक चूज कर लीजिए, जैसे ये जिसका बायोलॉजी बहुत अच्छा है तो एक ये चूज कर लीजिए और एक ये, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको बहुत, मतलब जो पेज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पेज आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में रहिएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं 16 सब्जेक्टिव लिखना और 20 MCQ लिखना और आपके पास मात्र है 32 पेज। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे समझ में आ गया कि 100 नंबर कैसे है, 10 नंबर MCQ ग्रुप ए का, 10 नंबर MCQ ग्रुप बी का, यानी कि 10-10-20 नंबर हुआ, 40 नंबर सब्जेक्टिव ग्रुप ए का और 40 नंबर सब्जेक्टिव ग्रुप बी का, तो यानी कि 40-40-80 और 10-10-20, 80 और 20, 100 नंबर का आपका ये पेपर हुआ, टोटल 100 नंबर का पेपर हुआ, जिसमें टोटली क्या है कि 20 MCQ है और 16 सब्जेक्टिव है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नंबर 5 चूज कर लिए तो 16 में से सोचे 4 ठो नहीं होगा, मतलब आपको कितना करना पड़ेगा, यानी कि 12 ही करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए तो 13 ही सवाल पड़ेगा, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि आप कौन सा चूज कर रहे हैं। ओवरऑल मैंने इतना आपको बता दिया, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप पेज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्यों पेज का ध्यान रखिएगा, आप लोग ऑनर्स लिखे हैं तो आपके माइंड में है कि 5 पेज लिखना है, 4 पेज लिखना है, 6 पेज लिखना है या 3 पेज लिखना है, लेकिन यहाँ नहीं कीजिएगा ऐसा। जैसे ही 32 पेज मिलेगा आपको डिवाइड कर लेना है कि इस क्वेश्चन पे आधा पेज देंगे, इस क्वेश्चन पे आधा पेज देंगे, इस क्वेश्चन पे आधा पेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर वैसे नहीं लिखिएगा तो ये पूरा सवाल आप बना ही नहीं पाएगा। तो ध्यान रखना है, पहले ही से पेंसिल से मार्क कर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ लिखेंगे, इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमारे टाइम में क्या हुआ था कि हम लोग जानते ही नहीं थे कि इतना सवाल लिखना है, लास्ट में बच्चा भी 2 ही सवाल लिखा है, 3 ही सवाल लिखा है और लास्ट में कॉपी ही ख़त्म, क्योंकि हम लोग के माइंड में क्या है, 4 पन्ना लिखना है, 5 पन्ना लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं, जितना सवाल दिया गया उस हिसाब से अलॉट करिएगा कि मेरा इतना ही पेज लिखना है, हमको इतना ही पेज लिखना है, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन को टच करना है, सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सो आई होप आपको मतलब GS से लेकर जितना भी प्रॉब्लम था यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, बाकी थोड़ा बहुत जो बीच में मिस्टेक से हुआ है तो वो तो फिर हम वहाँ पे ध्यान दिए ही हैं, क्योंकि ये GS का जो पेपर है ना वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, मतलब इसमें देख रहे हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस तरह से करके दिया है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा मेरे बात को, वो है टाइम मैनेजमेंट, टाइम का ध्यान रखिएगा और पेज का ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये दिमाग मत रखिएगा कि इसको ऐसे ही नॉर्मल ले लेते हैं या ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ये मत कीजिएगा गलती, क्योंकि इसमें भी पास करना बहुत ज़रूरी है, लगभग इसमें 60-65 नंबर इसमें भी आ जाता है। सो आपको मेरे तरफ से हेल्पफुल तो ये है, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दूसरा जो हेल्प है वो है 6206609855, इस पर आपको 29 रुपीज़ में इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें हम MCQ वगैरह नहीं दिए हैं, हम डायरेक्टली सब्जेक्टिव के लिए दिए हैं कि सब्जेक्टिव जो आपका ये 16 सब्जेक्टिव है वो उसमें मिल जाए।
तो इतना ध्यान रखिए, अगर हेल्पफुल होता है तो इस पे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको 29 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी पैटर्न का फिर से ध्यान रखिए, ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव। ग्रुप बी में भी 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। सो टोटल ऑब्जेक्टिव 20 नंबर और टोटल सब्जेक्टिव 80 नंबर के लिए, 80 और 20 100। इस तरह से आपको टोटल पूरी तरह से ये पैटर्न है, आपको मैंने पैटर्न भी बता दिया, आपको PYQ भी दिखा दिया। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। प्लीज़ शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा कोई ऐसा यूट्यूबर में नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा डिटेल बताएगा। सो ध्यान रखिए इस चीज़ को और शेयर कीजिए, चाहे आप BA के हो, BCOM के हो, BSc के लिए, सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि GS का जो सिलेबस है वो BA, BSc, BCOM तीनों के लिए सेम है, पैटर्न सेम है, सेम तरह का पेपर, एक ही दिन में सबका एग्ज़ाम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे आप बीए के हों, चाहे आप बीए के हों, बीएससी के हों या बीकॉम के लिए हों, सबके लिए ये वैलिड है। तो अगर हेल्पफुल लगे तो बिल्कुल ये ले लीजिए, और नहीं तो आप क्या कीजिए कि PYQ बनाइए, वो PYQ से ही मैंने ये इसको बनाया है, आइदर दिस और आइदर PYQ। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और आपके कमेंट का हमको वेट है कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।